नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज जैसे कि मैंने वादा किया था आपसे कि बुधवार के दिन से आपकी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और आज वो दिन आ चुका है। मतलब कि रीजनिंग अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप स्टेट पीसीएस की कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप किसी भी लेवल की सेंट्रल लेवल की जैसे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, या फिर आप जैसे राजस्थान से रिलेटेड राजस्थान पुलिस पटवार, या किसी भी स्टेट से रिलेटेड किसी भी लेवल की क्लेट मेट आर्मेट कहीं भी लेवल की किसी भी चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रीजनिंग आपकी जीरो से लेकर के अनंत तक चलेगी, जहां पे आपका बेसिक पूरा का पूरा मतलब हम जड़ों से लेकर के ऊपर तक चलते जाएंगे। एक एक चीज आपकी क्लियर करवा के चलूंगा। इससे पहले अपन ज्यादा गहराई में जाने से पहले इस चीज समझ ले कि इस आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं वो होगा हमारा रीजनिंग का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपसे जैसे वादा किया था, नया बोर्ड है, नई क्लासरूम है, बस आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। आपको अच्छा लगता जाए तो मुझे बताते जाइएगा। दोस्तों ये जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूँ कि किसी भी चीज को अंदर जाने से पहले हमें उसके बारे में जान लेना बहुत अच्छे से जरूरी होता है। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ तो रीजनिंग के इंट्रोडक्शन के रिलेटेड हम इसे तीन भागों में डिवाइड करते हैं। जो रीजनिंग होती है पहले इससे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि इसको कहा क्या जाता है। इसको कहा जाता है तर्क शक्ति। ठीक है, तर्क शक्ति का मतलब क्या होता है? मतलब तर्क देने की आप में जो कैपेसिटी, जो कैपेबिलिटी, जो योग्यता है, मतलब इसे मेंटल एबिलिटी भी बोला जाता है, बौद्धिक क्षमता भी बोला जाता है। बौद्धिक क्षमता एक रीजनिंग, आपको पता है कि मैथ में एक अलग चीज होती है और आपका इंग्लिश में अलग चीज होती है, लेकिन रीजनिंग यहाँ पे आपका सबका मिक्सअप होता है। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना उन सबका मिक्सअप होता है, वो रीजनिंग होती है तर्क शक्ति को। यहाँ पे रीजनिंग आपको पहले ये नॉलेज होना चाहिए कि रीजनिंग कितने प्रकार की होती है। इंट्रोडक्शन के तहत फर्स्ट क्लास जो आपकी है उसके बारे में बात करते हैं अपन कि रीजनिंग कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो तर्क शक्ति होती है ये अलग अलग इसके टाइप्स हैं, वो किस तरीके से डिवाइड कर रखा है वो देखिए। पहले मैं बात करता हूँ, पहली होती है आपकी वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग, ठीक है। सेकेंड पार्ट होता है इसका नॉन वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग। एक एक चीज समझते जाइएगा दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट पार्ट वर्बल रीजनिंग, सेकेंड पार्ट इसका नॉन वर्बल, और थर्ड जो आजकल जो एग्जाम में पूछा जाता है इसे बोला जाता है एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, इसे बोला जाता है भाषिक तर्क शक्ति, भाषिक तर्क शक्ति, और इसे बोला जाता है अभाषिक तर्क शक्ति। ध्यान दीजिएगा, ये होती है भाषिक तर्क शक्ति, ये अभाषिक तर्क शक्ति। इसे बोला जाता है तुलनात्मक, ठीक है, ये होती है तुलनात्मक तर्क शक्ति। यहाँ पे ये होती है तुलनात्मक तर्क शक्ति। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इनमें कौन से टॉपिक्स आते हैं, हर एक चीज के बारे में बात करते हैं अपन। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो तर्क शक्ति होती है वो तीन प्रकार की। इसमें फर्स्ट पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्बल का, उसके बाद में पहले सबसे अधिकतर टाइम पे नॉन वर्बल भी पूछा जाता था, लेकिन ये जो रेशियो हो गया ना वो बहुत लो होता जा रहा है। इस रेशियो में से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इंपॉर्टेंट होता है आपका एनालिटिकल रीजनिंग, जिसका रेशियो आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहले मैं वर्बल रीजनिंग की बात करता हूँ कि वर्बल का मतलब क्या होता है उसे समझिए। देखिए, आपने कम्युनिकेशन वर्ड सुना होगा, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन आपने किसी भी शॉप पे लिखा हुआ दिखा होगा, जैसे मान लीजिए कि रिया टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, श्याम टेली कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब आप जिस लैंग्वेज में मुझसे बात कर सकते हैं, मतलब मैं जिस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ उस लैंग्वेज को अगर आप समझ सकते हैं, मैं अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाता हूँ तो वो कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन मतलब अपनी बात को दूसरे को समझाना और दूसरे की बात को खुद को समझना ही, आपस में वार्तालाप करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। अब दोस्तों कम्युनिकेशन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में बात करते हैं। कम्युनिकेशन जो बेसिकली होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है वॉइस कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वॉइस कम्युनिकेशन। वॉइस कम्युनिकेशन एंड नॉन वॉइस कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में क्या भिन्नता है उसे समझिएगा। देखिए, मैंने बात की कि कम्युनिकेशन एक होता है वॉइस कम्युनिकेशन, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका नॉन वॉइस कम्युनिकेशन।
इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे एक वॉइस कम्युनिकेशन और दूसरा क्या होता है, नॉन वॉइस कम्युनिकेशन। वॉइस कम्युनिकेशन वो होता है जिसे हम अगर किसी से संप्रेषण करना चाहते हैं, किसी से वार्तालाप करना चाहते हैं, तो हम बोल करके जो संप्रेषण जो कम्युनिकेट करते हैं सामने वाले को, वो होता है वॉइस कम्युनिकेशन। इसी तरीके से बिल्कुल होती है वर्बल रीजनिंग, जिसमें हम बोल करके हर एक चीज क्लियर करके चलते हैं, उसे क्या कहा जाता है, वर्बल रीजनिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके मैं एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, तो एग्जाम्पल्स कौन कौन होते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसे मैं बात करूंगा यहाँ पे, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ठीक है, फिर ब्लड रिलेशन, इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ऐसे सारे के सारे टॉपिक किसके पार्ट होते हैं, ये वर्बल रीजनिंग के, ध्यान दीजिएगा, ये होती है वर्बल रीजनिंग। दूसरा पार्ट होता है नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग का। नॉन वर्बल का मतलब होता है अभाषिक तर्क शक्ति, मतलब जिसे नॉन वॉइस कम्युनिकेशन होता है। नॉन वॉइस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम अगर किसी से वार्तालाप करना चाहते हैं तो बोल करके नहीं, हम इशारों से या फिर किसी चीज को बना करके फ्रेम करके हम उससे वार्तालाप कर सकते हैं, मतलब उसे समझा सकते हैं। तो नॉन वॉइस कम्युनिकेशन में हम बोलते नहीं, सारे के सारे आकृतियों से क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब ये वो कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें हम बिना बोले मतलब आकृतियों से शेप से क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एम्बेडेड फिगर, मतलब सन्निहित आकृति है, उसके बाद में पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, फिर आपने देखा होगा डाइस, ठीक है, क्यूब, ठीक है, काउंटिंग फिगर, ये सारे के सारे जो टॉपिक आते हैं वो नॉन वर्बल में माने जाते हैं। जो मैं आपको अलग से बोर्ड पे सारा का सारा सिलेबस लिखवा के चलूंगा कि अपन क्या क्या करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इतना समझा रहा हूँ, ये होती है नॉन वर्बल। उसके बाद में जो सबसे ज्यादा रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट और अभी जैसे पटवार, राजस्थान पुलिस और स्टेट से रिलेटेड एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट पूछा जाता है, कि आजकल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इससे 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ इस पार्ट से बनते हैं। वो कौन कौन से? आपने नाम सुना होगा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन एवं पूर्वधारणा, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन एवं तर्क, ठीक है, और पैसेज एंड कंक्लूजन, परिच्छेद एवं निष्कर्ष, ऐसे टॉपिक बनते हैं वो यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग से बनते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप अपन लेके चलेंगे, अपन रीजनिंग के तीनों पार्ट्स क्लियर करेंगे। और एक बात और, मैंने आपको रीजनिंग का जो नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं, वो अभी जैसे मैंने आपको एनालिटिकल रीजनिंग, मतलब वो आपकी जो इम्पोर्टेंट होगी रेलवे के लिए, अभी आपका अपना चल रहा है वर्बल रीजनिंग, जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप, जिनके पास भी है स्टेप बाय स्टेप, जो जो टॉपिक मैंने दे रखे हैं आप उन टॉपिक के अनुसार चलेगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। एक एक चीज उसमें से मैं आपको करवाते चलूंगा। तो पहले अपन बात करेंगे किसकी, वर्बल रीजनिंग की बात करेंगे। वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड जो जो चीजें हैं, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि अपन बात करेंगे इससे रिलेटेड कितने पार्ट्स का होगा। सबसे कम पार्ट इसका पूछा जाता है, सबसे ज्यादा वर्बल रीजनिंग का, और फिर इसके बाद में आता है आपका एनालिटिकल रीजनिंग का। तो अपन जीरो से लेकर के चलेंगे, जीरो से लेकर सीकर तक अपन को चलना है। तो चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं आज टॉपिक नंबर फर्स्ट की, जिसमें अपन टॉपिक नंबर फर्स्ट अपना चलेगा वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट। मतलब रीजनिंग की सबसे बड़ी जो नींव होती है ना, वो अल्फाबेट से ही होती है। इम्पोर्टेंट क्यों है वो समझ लीजिए। आपका अगर आपको अल्फाबेट टेस्ट के अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब अल्फाबेट के नंबर अगर आपको याद है, जिसके साथ साथ आपके कितने टॉपिक क्लियर होंगे वो ध्यान दीजिए। आपका टॉपिक एनालॉजी, आपने देखा होगा एनालॉजी सादृश्यता परीक्षण, जिसे बोला जाता है सादृश्यता परीक्षण, ठीक है। उसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसका एक और नाम होता है ओड मैन आउट, ठीक है, इसे बोला जाता है वर्गीकरण और विजातीय छांटना। विजातीय छांटना, ठीक है। इसके बाद में आपका सीरीज टेस्ट, ठीक है, ये जो सीरीज टेस्ट है इसे बोला जाता है श्रृंखला परीक्षण, इसके बाद में सीरीज टेस्ट के बाद में अपन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, इसे कहा जाता है कूट लेखन, इसे समझिएगा कोडिंग डिकोडिंग ये। और इसके बाद में अगर इस
टोटल मिलाते 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन 5 टॉपिक्स को साथ में लेके चलते हैं। ये सारा का सारा बेस आपका क्लियर होगा जब अपन अल्फाबेट के नंबर्स आपको याद होंगे। फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि लेफ्ट टू 6 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, आपको पहले बोला होगा कि आप पूरे के पूरे अल्फाबेट कॉपी में जाके लिख लेते हैं, एग्जाम में भी यही करते हैं, फिर आप सीधे लिखते फिर उल्टे लिखते फिर भी आपको नंबर याद नहीं होता है। ठीक है, मैं अगर पूछूं कि डाइट 10 नंबर पे कौन सा लेटर होगा, आप ये उंगलियों पे गिनने लग जाते हैं। ठीक है, मैं पूछूं राइट टू 5th नंबर पे कौन सा लेटर होगा, आप नॉर्मली बता देते हैं। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछूं कि लेफ्ट टू 7 नंबर के राइट में 8 नंबर के लेफ्ट में 3rd नंबर पे कौन होगा, डायरेक्टली आपका जवाब होना चाहिए एल। लेकिन अपन नहीं करते, अपन लाइन बनाते हैं फिर लिखते हैं। बोले करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं ना। लेकिन आपको मेरे पढ़ाने के बाद कोई लाइन नहीं बनानी, जैसे मैंने डायरेक्टली आपको जवाब दिया वैसे ही आप जवाब देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन पूछा कि अल्फाबेट के जो ऑर्डर है उनके अकॉर्डिंग राइट टू 8 नंबर के लेफ्ट में 9 नंबर पे कौन सा लेटर होगा। अब आप क्या करते हैं, पहले लाइन बनाएंगे फिर लिखेंगे। अब आपको ये तब अपने 8+9=17। ठीक है, इसी तरीके से आपका डायरेक्टली जवाब होना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। ये सारे की सारी चीजें मैं क्लियर करवाऊंगा, लेकिन आपका अगर इसका नंबर क्लियर है ना अल्फाबेट का, अगर इसके आपको अल्फाबेटिकल नंबर क्लियर है, इसके साथ साथ आप एनालॉजी क्लासिफिकेशन ये सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, तभी आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अदरवाइज आप इन टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए वर्णमाला परीक्षण। उम्मीद करता हूँ इन बातों को आप समझ पा रहे होंगे। ये पूरा का पूरा जो मैटर होगा ये आपका 10 से 12 नंबर कवर करके चलेगा, सारा का सारा मैटर, चाहे किसी भी एग्जाम की आप बात कर रहे होंगे, पूरा का पूरा मैटर आपके लिए 10 से 12 नंबर कवर करके चलेगा। तो इन चीजों का आप जरूर से ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ साथ मैं आपको और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बता के चलूंगा जिनको अपन पढ़ना है। फिर अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से, वो हमारा होगा अल्फाबेट टेस्ट, जो कि आपको आपके जो नोट्स दे रखे हैं उनमें बहुत अच्छे से दे रखा है, उसी चीज को मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, जिससे आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे वाले टॉपिक्स पे चलते हैं, उनको मिटा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसके बाद में अपन जो बड़े टॉपिक्स पे आते हैं, बड़े टॉपिक में जैसे यहाँ पे इसके बाद लेते हैं, अपना जो टॉपिक आता है वो आता है ब्लड रिलेशन, इसे बोला जाता है रक्त संबंध। दोस्तों ये अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसमें ब्लड रिलेशन आपसे नहीं पूछा जाता है, और ये रीजनिंग का बेस है। ये मान लीजिए जिस तरीके से अल्फाबेट है उसी तरीके से ये बेस है। बैंक में इसके मिनिमम 5 मार्क्स का ये जरूर आता है। अगर आप SSC रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो मिनिमम ये, ठीक है, 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आराम से आपको मिल जाते हैं। तो ये टॉपिक भी अपन लेकर के चलेंगे, आपको एक एक चीज बता के चल रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक कितने इम्पोर्टेंट रहेगा, तो उस चीज को देख ली जाएगा। इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ, तो छोटे छोटे टॉपिक अपन में सारे रीजनिंग करवाऊंगा, यही नहीं कि प्रॉपर किसी भी चीज को आपके कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, फिर आता है आपका लॉजिकल डायग्राम, जिसे बोला जाता है तार्किक आरेख। ठीक है, एक होता है वेन डायग्राम, बुक्स में इसको एक ही दिया जाता है, लेकिन मैं आपको अलग अलग पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक बार आपको रीजनिंग करने के बाद में आपको दोबारा नहीं करनी पड़े। ये होता है वेन आरेख। दोस्तों लॉजिकल डायग्राम और वेन आरेख दोनों एक होते हुए भी एक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि लॉजिकल डायग्राम है वो वेन डायग्राम का पार्ट है, लेकिन लॉजिकल डायग्राम एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और वेन डायग्राम एक पर्टिकुलर ट्रूथ है। इसके बाद में सारी चीजें आपको बताऊंगा। ये टॉपिक आपको समझ में क्यों नहीं आते, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर के आपका तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है सिलोग्स, जिसका नाम है सिलोजियम, और इसका पुराना नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, इसे इन दोनों को कहा जाता है न्याय वाक्य, इसे कहा जाता है कथन एवं निष्कर्ष।
ध्यान दीजिएगा, ये होता है न्याय वाक्य घटक, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है जिसमें लेकर के आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है कि सर हमें ये टॉपिक नहीं आता है। इसमें मैं आपको बता दूं, ये दोनों टॉपिक है ना यहाँ पे, ये इसका बेस है, इसका बेस ये दोनों के दोनों टॉपिक है, इनको आपको समझना होगा। ये टोटल मिला करके इसको इसको और इसको मिला करके चलता हूँ, इसमें आराम से मिला करके ठीक है मिनिमम तीन और तीन से पांच क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से कन्फर्म बनेंगे, ये नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और भी चीजें अपन आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसका ध्यान रखिएगा ठीक है दोस्तों। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका मैं फिर आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसे बोला जाता है हिंदी में गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं इसी के पार्ट्स होते हैं जिसे आप अलग अलग लेके चलते हैं, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर जिसे बोला जाता है लुप्त संख्याएं ज्ञात करना, लुप्त संख्याएं ज्ञात करना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाएगा और कमेंट करके बताते रहेगा कि हाँ आपको कैसा लग रहा है। एक एक चीज आपको बारीकी से मैं लेकर के चलूंगा। इसके बाद में इसका एक पार्ट होता है जिसे बुक्स में मैथमेटिकल के नाम से दिया जाता है लेकिन वो अलग टॉपिक होता है, उस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स, जिसे कहा जाता है, जिसे कहा जाता है आव्यूह। ध्यान दीजिए, ये होता है आपका मैट्रिक्स जिसे कहा जाता है आव्यूह। इसमें से आराम से आपके यहाँ पे लेके चलता हूँ तो एक से दो क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, एक से दो क्वेश्चन, और अगर ये आता है तो एक से दो क्वेश्चन ही इसी में से बनने के चांसेस रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इनको साथ में अपन लेकर के चलेंगे, ये दो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं, इसके बारे में भी अपन स्टेप बाय स्टेप अपन बात करते चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं अपन इसके बाद में, ये सारे के सारे टॉपिक आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं उनमें दे रखे हैं, जिनके पास होंगे वो जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा ठीक है। इसके बाद में अपन जो टॉपिक्स में आते हैं, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। अभी तक अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको दिशाएं आपने 10 पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको टोटल डायरेक्शन जो बताऊंगा वो 14 बताऊंगा। कैसे? एक एक चीज बताऊंगा जो आपने कंफर्म है कि आपने 10 नहीं पढ़ी होगी, मैं आपको टोटल डायरेक्शन 14 पढ़ाऊंगा और उसमें से क्वेश्चंस भी जरूर बनते हैं। तो डायरेक्शन, डायरेक्शन होने के बाद में नेक्स्ट आता है अपन रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट। यहाँ पे ये इसका प्रारंभिक स्तर होता है, इसके बाद में इसका जो मेन स्तर आता है वो आता है सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है सीटिंग अरेंजमेंट जिसे बोला जाता है, इसे हिंदी में रैंकिंग को कहा जाता है श्रेणी परीक्षण, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को साथ लेके चलेंगे। ये होता है आपका बैठक व्यवस्थीकरण, बैठक व्यवस्थीकरण। यहाँ डायरेक्शन से आपका एक से दो क्वेश्चन निकलने के चांसेस रहेंगे, पॉसिबिलिटी रहेगी इससे एक से दो क्वेश्चन बने। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग से मिला करके आपका दो से तीन क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। अगर यहाँ से फ्रेम होता है तो मिनिमम एक एक भी लेते हैं तो दो से तीन क्वेश्चन। ये मैं नहीं कहता कि सर आप इतने इतने बता रहे हो, हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाए, लेकिन अगर जहाँ से बनेंगे तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन फ्रेम होंगे, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा ठीक है दोस्तों। अब आगे अपन चलते हैं ठीक है। कई ने मुझे बोला है कि सर रेलवे में घड़ी कैलेंडर नहीं दे रखा है, तो ये चीज बिल्कुल गलत है दोस्तों। वर्बल रीजनिंग में इसमें जो दे रखा है घड़ी कैलेंडर रेलवे में, वो टाइम सीक्वेंस के नाम से दे रखा है। और अगर आप राजस्थान पुलिस पटवार उनकी सबकी बातें कर रहे हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए रहेगा टाइम सीक्वेंस। इस टाइम सीक्वेंस में आपके सारे टॉपिक आ जाते हैं। पहले टॉपिक की मैं बात करता हूँ तो आपका क्लॉक, मतलब जिसे घड़ी कहा जाता है ठीक है। दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है आपका कैलेंडर,
कैलेंडर जिसमें से कंफर्म इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये दोनों टाइम सीक्वेंस के पार्ट है, तो अपन घड़ी और कैलेंडर को भी लेकर के चलेंगे। तो ये सारी की सारी स्टेप अगर इनमें से क्वेश्चन बनते हैं तो आराम से इनमें से दो क्वेश्चन आराम से बनेंगे। एक ही क्वेश्चन भी लेते हैं तो मिनिमम ये दो से तीन क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, एक से दो क्वेश्चन आपके इसमें हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, रीजनिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद में अपन चलते हैं जो रेलवे में हर एक चीज अपन स्टेप बाय स्टेप लेके चले। हो सकता है कोई टॉपिक अगर मेरे माइंड से निकल भी जाए तो आप टेंशन फ्री रहिएगा, वो जो आपके सीक्वेंस रहेगा ना उस टाइम पे मैं आपको सारे के सारे टॉपिक करवाता चलूंगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। देखिए ये तो टॉपिक हो रहे हैं ये रेलवे और जो आपका राजस्थान पुलिस और पटवार हुए किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते होंगे इसके लिए आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ जो रेलवे के लिए और उनके लिए जो बेसिक और नॉर्मल वर्क है लेकिन इसको मैं वर्बल में लेके चलूंगा, आपके जो टॉपिक चलेंगे वो देखिए क्यूब एंड डाइस, ठीक है। ये जो चीजें अपन करने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। क्यूब एंड डाइस जिसे बोला जाता है घन एवं पासा, ठीक है। घन एवं पासा अपन वर्बल के साथ ही मैं आपको साथ में लेकर के चलूंगा, जिसमें से आराम से आपके एक से दो क्वेश्चन घन और पासा से बनने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे अपन क्यूब एंड डाइस को भी साथ में लेकर के चलेंगे, आराम से देख लीजिए। क्यूब एंड डाइस इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसके बाद में अपन कुछ और बाकी जैसे आपका आता है सिंबल एंड नोटेशन, सिंबल एंड नोटेशन इसका नेक्स्ट नाम होता है इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी। इसे बोला जाता है संकेत एवं अंकन पद्धति, संकेत एवं अंकन पद्धति, ठीक है। इसके बाद में यह है समानता एवं असमानता। ये टॉपिक भी आपके लिए किसी भी एग्जाम में अगर आप एसएससी कोई भी एग्जाम देते हो ये 5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, या फिर छोटी एग्जाम देते हो 3 से 5 क्वेश्चन आराम से बनते हैं इसमें से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, लेस देन ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, ये आपका 3 से 5 नंबर ये कवर करेगा। इस तरीके से इसको लेकर के चलेंगे अपन टाइम सिक्वेंस में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सारा का सारा लेके चल रहा हूँ। इसके बाद में अपन जो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं हम किसकी बात कर मैं सबसे मेन पॉइंट है, इसमें और भी टॉपिक बचे हैं जो स्टेप बाय स्टेप जिस चीज एग्जाम क्योंकि मैं सारा बताता चलूंगा, फिर आपका इंपॉर्टेंट जो आता है ना उसे देखिए दोस्तों। एनालिटिकल रीजनिंग जो अपन यहाँ पे सारी की सारी चीजें लेकर के चलेंगे, एनालिटिकल रीजनिंग रेलवे वाले ध्यान दें ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका रहेगा, यहाँ पे एक एक चीज क्लियर करके चलेंगे। जैसे टॉपिक्स के नाम मैं बताता चलूँ आपको, पहला है आपका कथन एवं तर्क जिसे कहा जाता है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। सेकंड पे अपन चलते हैं कथन एवं निष्कर्ष, ये होता है आपका स्टेटमेंट एंड आपका कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है कथन एवं पूर्व धारणा, कथन एवं पूर्व धारणा इसे बोला जाता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन एवं पूर्व धारणा। इसी से रिलेटेड आपके आते हैं पैसे सॉरी डेटा सफिशियंसी, डेटा सफिशियंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। डेटा सफिशियंसी जिसे कहा जाता है आंकड़ों की पर्याप्तता, ठीक है, डेटा सफिशियंसी से कहा जाता है आंकड़ों की पर्याप्तता। फिर आपका आता है नेक्स्ट पैसेज एंड कंक्लूजन, मतलब परिच्छेद एवं निष्कर्ष बोला जाता है जिसे, परिच्छेद एवं निष्कर्ष।
दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका रेलवे, राजस्थान पुलिस, पटवार या किसी भी स्टेट से रिलेटेड आजकल जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे एक बार टीचर भी कतराने से डरते हैं, क्योंकि ये साइको का पार्ट होता है, जिसे टीचर नहीं करवाते, आपको ट्यूशन देके टिक लगा देते, चाहे आप कहीं से भी पेड कोर्स लो, कहीं से भी लो, लेकिन ये वाला पार्ट आपको बहुत रेयर केसेस में करवाया जाता है। लेकिन मैं आपको पूरी की पूरी चीजें लेके चलूंगा, ये ऐसा पार्ट है जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आपके रेलवे में बनेंगे और भी एग्जाम में आराम से, जैसे राजस्थान पुलिस पटवार में भी 4 से 5 क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो इस सारे का सारा इम्पोर्टेंट एक और होता है जो पजल है। पजल वैसे बैंक का टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ पजल से भी अपने यहाँ पे ट्यूशन करके चलेंगे। अगर कोई चीज माइंड में रह जाती है, वैसे मैं बता रहा हूँ, अगर ये आएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आपके पजल में से बनेंगे। लेकिन ये आपका नॉन, ये वर्बल का पार्ट था, ये सारा का सारा एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। दोस्तों मैंने एक एक चीज आपको बताई, बाकी सारी चीजें जैसे काउंटिंग फिगर हो गया, ये नॉन वर्बल के पार्ट है, जैसे कितने त्रिभुज है, त्रिभुज गिनना, वर्ग गिनना, स्क्वायर मतलब वर्ग वृत्त वगैरह, वो सारी की सारी चीजें अपन स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलेंगे। नॉन वर्बल की बात करेंगे, उसमें भी एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज सब कुछ होता है, वो सारी की सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पहला इंट्रोडक्शन है वो पसंद आया होगा और आप इस विश्वास के साथ मेरे साथ आगे बढ़ेंगे कि मैं आपके एक एक चीज क्लियर करवा करके चलूंगा। उम्मीद करता हूँ आपका विश्वास यूं बना रहेगा। यह आपका फर्स्ट क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था। कल से आपका स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो आपको मिलता जाएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। आपको जो टाइम है वो सुबह के टाइम पे ये वीडियो मिलता रहेगा, आपको फिक्स टाइम बता दिया जाएगा। और भी कोई चीजें होंगी नोट्स से रिलेटेड आपको सारा का सारा मैटर यहाँ पे मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ठीक है। जल्द ही अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो इस चीज को थोड़ा सा और अपन, जैसे अगर वाईफाई वगैरह का सिस्टम लग गया, देखिए इतना बड़ा नहीं है आपकी उम्र से, अभी छोटे से स्तर से चालू कर रहे हैं, आपका सपोर्ट और प्यार बना रहा तो मैं जरूर इसको कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन रीजनिंग की टेंशन वो मेरी टेंशन है, आप विश्वास कीजिए आपके एक एक चीज में क्लियर करवा के चलूंगा। आज तक आपने कहीं पे ऐसा नहीं पढ़ा होगा, ऐसी मैं कोशिश करूंगा ऐसा कंटेंट आपको देने की। तो अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अपनी फैमिली को बढ़ाना आपका काम है, आपकी सेवा में हाजिर होना ये मेरा काम था। अभी के लिए इजाजत दीजिए मुझे, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।